यस सर। ओके अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने पहले दो चैप्टर्स में बुलियन जो एक्सप्रेशन हमारे पास आता है, जो हमारे पास इक्वेशन होती है, उसको सिंप्लीफाई करने के मुख्तलिफ तरीके सीखे। ज्यादातर वो एल्जेब्रिक तरीके थे, जिसमें कि हम लोग जो बुलियन और जो थ्योरम्स हैं उनको यूज करके उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद उसका हमने सर्किट्स बनाए हैं। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि आपके पास जो एल्जेब्रिक अप्रोच है उसमें कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, मीनिंग के आप जब उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देर इज नो वे टू नो कि ये वाकई ये सिंप्लीफाइड है या ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता था, या आपने सही कोई रूल अप्लाई किया भी है या नहीं किया, गलत रूल तो नहीं अप्लाई कर दिया। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये लोगों ने डेवलप किया है एक और मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं द मैप मेथड। ये ग्राफिकल मेथड है जिसको आज हम लर्न करेंगे, और इसके अंदर हम एक मैप बनाते हैं जिसका नाम है कार्नोफ मैप। सो KARNAUGH कार्नोफ मैप। और ये इसका जो फायदा है वो ये है कि ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है। ट्रुथ टेबल की ही एंट्रीज आप इस टेबल के अंदर डालेंगे, और 7 से कम वेरिएबल्स के लिए ये वर्क करेगा। तो नॉर्मली हमारे वेरिएबल्स ABC या XYZ 3 होते हैं या 4 होते हैं, 5 होते हैं, 7 वेरिएबल्स तो बहुत कम होते हैं, तो अप टू 7 वेरिएबल्स इट इट विल वर्क। इसकी ब्यूटी ये है कि इसके अंदर आपको कोई भी पोस्टुलेट, कोई चीज लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली मैप के ऊपर देख के आप बता देंगे कि इक्वेशन जो है वो किस तरह से सिंप्लीफाई होती है। तो इस मैप में एक डायग्राम होगी, डायग्राम के अंदर बहुत सारे स्क्वायर्स बने हुए होंगे, और हर स्क्वायर जो है वो एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह से है। सो बिफोर वी मूव, अच्छा अभी इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अच्छा, सो रिव्यू ऑफ बुलियन फंक्शन। बुलियन फंक्शन होता क्या है? बुलियन फंक्शन जो है वो होता है, इट इज अ सम ऑफ मिन टर्म्स। यानी इस तरह से हम लिखते हैं कि एफ इज इक्वल टू जो भी आपकी मिन टर्म्स हैं वो इसके ऊपर आ जाती है, ठीक है? या इट कुड बी सम ऑफ प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट ऑफ सम इन सिंपलेस्ट फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ सम में वो और गेट के थ्रू आते हैं और यहाँ पे एंड गेट के थ्रू आते हैं। इट शुड हैव द मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी टर्म्स कम से कम होनी चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स, लिटरल्स हमने पहले भी बात की थी। लिटरल क्या होता है कि आपके वेरिएबल्स XYZ ABC जो भी होते हैं वो लिटरल्स होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन जितनी कम टर्म्स से इम्प्लीमेंट हो सकता है हम करें, और जितने कम लिटरल्स के साथ इम्प्लीमेंट हो सकता है उस तरह से करें। आखिरी चीज ये है कि सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मे नॉट बी यूनिक, मीनिंग के दो फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो, लेकिन उनका जो आगे जो उनकी टर्म्स हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। एनीवेज, दिस वाज रिव्यू ऑफ द बुलियन फंक्शन। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? सर बोलिए, जीरोस और वंस पे क्या रहा होगा ना? जी, हमेशा 0 और 1 में होगा। जी बिल्कुल, इसके अलावा नहीं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये जो मैप है कार्नोफ मैप ये किस तरह से बनाएंगे, ठीक है? वी'ल स्टार्ट ऑफ विद अ 2 वेरिएबल मैप जिसमें सिर्फ एक्स और वाई है। उसके बाद हम इसको 3 वेरिएबल मैप पे भी लेके जाएंगे जिसमें एक्स वाई और जी है, और फिर 4 वेरिएबल मैप पे भी लेके जाएंगे जहाँ डब्ल्यू एक्स वाई और जी है या ABCD है। तो जो 2 वेरिएबल कार्नोफ मैप है उसमें 4 स्क्वायर्स होंगे, क्योंकि क्योंकि आपके पास जो
दो वेरिएबल्स होते हैं तो उसकी चार मिन टर्म्स बन सकती हैं. सो कोई भी दो वेरिएबल्स होंगे तो उसकी मिन टर्म 0, m1, m2 और m3. तो ये जो चार स्क्वेयर्स हैं ये हर स्क्वेयर एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. सो पहला स्क्वेयर m0, फिर m1, m2 और m3. उसके बाद हम लोग अपनी आसानी के लिए वील डिवाइड दिस इन टू हाफ्स लाइक दिस. यहाँ पे हम y लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम x लिख देंगे. ये जो दो हमारे वेरिएबल्स हैं, तो जो रो है वो y की हो जाएगी और जो कॉलम है वो x का हो जाएगा. और इन दोनों को मिला के जैसा क्वाड्रेंट में आप देखते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे x और y क्या होंगे, मतलब ये वाली मिन टर्म m0 वन कब होगी. तो वन तब होगी जब x बार y बार यहाँ पे आएंगे, यानी यहाँ से आप y जीरो है, यहाँ से x जीरो है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x बार y बार. नेक्स्ट के लिए आप देखेंगे यहाँ पे इस रो के ऊपर तो x जीरो है, तो यू विल राइट x बार, और y जो है अब आपने देखा कि यहाँ पे वन है, तो यू विल राइट x बार y. उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, आप देखेंगे कि x जो है वो वन है इस रो में, तो यू विल राइट x, और ऊपर से आप देखेंगे कि y जीरो है तो यू विल राइट y बार, और यहाँ पे x भी वन है और y भी वन है तो यू विल राइट x बार, ठीक है. सो ये चार पॉसिबल मिन टर्म्स थी, और ये चारों पॉसिबल जो मिन टर्म्स हैं वो आपने यहाँ पे लिख दी हैं. अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके पास ये सारी मिन टर्म्स आ गई तो आपने ये खाली बॉक्स लेना है और आपने देखना है कि जो इक्वेशन आपको दी गई है उसमें कौन सी मिन टर्म्स हैं, और यानी ये मिन टर्म्स का मतलब है कि ये फंक्शन इन जगहों के ऊपर, इन मिन टर्म्स पे m1, m2 और m3, इन के ऊपर ये फंक्शन बन है, ठीक है. सो आप यहाँ पे देखेंगे कि मिन टर्म वन कहाँ पे आती है, मिन टर्म वन यहाँ पे आती है, तो ये फंक्शन है जिसको हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, f इज इक्वल टू दिस फंक्शन. सो दिस फंक्शन इज इक्वल टू x बार y प्लस x y बार प्लस x y एंड इट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3. व्हाट आई विल डू इज कि जहां जहां ये फंक्शन वन है, m1 के ऊपर वन है, सो आई विल पुट वन ओवर हियर, ये m1 है, m2 पे 1 है, so I'll put 1 over here, और m3 के ऊपर 1 है, so मैं 1 यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है. तो इस तरह से मैं इस कार्नोफ मैप को पॉपुलेट कर दूंगा, I'll put 1s जहाँ जहाँ पे ये फंक्शन 1 है, ठीक है जी. यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं. दो लोगों ने इकट्ठा पूछा, मुझे क्लियर नहीं हुआ जी, रिपीट करें. सही है, मेथड हम लोग इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या चीज, ये मेथड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जी सर, ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, आपने लेट ज्वाइन किया. नहीं सर, लेट नहीं किया, बीच में एक्सप्लेनेशन स्किप हो गई मुझसे. अच्छा जी, एक और स्टूडेंट का भी क्वेश्चन था, वो क्या था? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें ये इक्वेशन गिवन होगी x बार y प्लस x और यस सर f इक्वल टू वाली जो है. हाँ, ये इक्वेशन आपको गिवन होगी या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, उसके बाद आप इसका कार्नोफ मैप बनाएंगे. हमने सिर्फ सर ये डायग्राम बना के इसमें वन वन फिल करना है बस. हाँ, अभी तक आगे भी बहुत काम करने हैं, लेकिन अभी तक तो ये पहले, सबसे पहले ये पहली स्टेप है कि इस पे 1 1 1 आपने फिल कर देना. सही सही सर, यहां तक समझ आ गया. x जो है सर, x जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये x की वैल्यूज हैं, इस रो में x 0 है, इस रो में x 1 है, y कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे कॉलम में y 0 है, इस पूरे कॉलम में y 1 है. ठीक है जी. सर ये समझ नहीं आ रहा है, जैसे जिस तरह ये अब x है ना, x में अब फर्स्ट पे जीरो है, जैसे अब जो उसके नीचे वाली रो है उसमें जो नीचे वाले उसका रो है वो उसमें भी x जीरो होगा या उसमें x वन होगा? वन वन, x को हम वेरी कर सकते हैं ना, x की दो ही वैल्यूज हो सकती है ना, जीरो और वन. ये नीचे लिखा हुआ है ना, ये x वन है और यहाँ पे x जीरो है. इसी तरह से यहाँ सर y, यहाँ पे y जीरो है और यहाँ पे y वन है.
सर लेकिन ये देखे ना जिधर एक्स वाला कॉलम है उसमें वाई बार दोनों में वही है, तो वाई बार की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। आप इसकी बात कर रहे हैं सर, ये बी डायग्राम है, बी डायग्राम की जो बात है ना, वाई बार इसी की बात कर रहे हैं ना, यहाँ ही वाई बार है जी। हाँ तो कॉलम में तो चेंज नहीं होगी ना, यहाँ तो वाई की वैल्यू जीरो ही है इस पूरे कॉलम के लिए। ओके सर, यानी जो रो के लिए वैल्यू है वो एक्स की चेंज होगी, और जिस तरह वाई का कॉलम है उसमें वाई की वैल्यू चेंज होगी और एक्स की वही रहेगी। बिल्कुल, यहाँ पे इस कॉलम में वाई जीरो रहेगा, इस कॉलम में वाई वन रहेगा, इस रो में एक्स जीरो रहेगा, इस रो में एक्स वन रहेगा। ओके सर। अच्छा अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं थ्री। अभी हम सिर्फ जो है ना मैप को पॉपुलेट किस तरह करना है, यानी इसमें मंथ किस तरह डालने, सिर्फ हम इसको समझ रहे हैं। फिर सिंप्लीफिकेशन किस तरह करनी है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगी। अच्छा अब हम देखते हैं कि थ्री वेरिएबल्स के साथ हमारा जो कार्नोफ मैप है वो किस तरह से बनेगा। तो थ्री वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम आपके पास 8 मिन टर्म्स हो सकती हैं, बिकॉज 2^3 इज इक्वल टू 8, तो इस 8 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसकी जो प्लेसमेंट है वो इस तरह होगी कि ग्रे कोड में होगी। ग्रे कोड का मतलब ये है कि एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर में सिर्फ एक बिट चेंज होगी, दोनों बिट चेंज नहीं होगी। बहरहाल ये तो अभी हम देख लेते हैं। सो आपने 8 स्क्वायर्स बनाने हैं, सो 8 स्क्वायर्स इस तरह से आप बना देंगे। ओके, M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7 और M6। प्लीज नोट द ऑर्डर कि इट इज M0, M1, M3, M2 एन M4, M5, M7, M6। ये ग्रे कोड है, क्यों है मैं अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो अगेन आप इसकी मिन टर्म्स किस तरह से लिखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ऊपर यू विल प्लेस YZ और नीचे आपका आ जाएगा X। दो जो एक वेरिएबल नीचे आ गया और दो वेरिएबल्स ऊपर आ गए। X इस रो में एग्जैक्टली उसी तरह वेरी करेगा कि X की वैल्यू इस पूरी रो में जीरो होगी और X की वैल्यू वन होगी यहाँ पे। YZ दो वेरिएबल्स हैं, सो YZ को हम वेरी करवाएंगे पहले स्क्वायर में 0, 0, फिर 0, 1, फिर 1, 1 और फिर 1, 0। यानी 1, 0 क्या है, Y 1 है और Z 0 है। यहाँ पे Y भी 0 है, Z भी 0 है, यहाँ पे Y 0 है और Z 1 है, यहाँ पे दोनों 1, 1 है। ये इन दोनों के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो इस अगेन इस पूरे कॉलम में Y और Z दोनों 0 होंगे, इस पूरे कॉलम में Y 0 होगा और Z 1 होगा, एंड सो ऑन। तो आप जो है अब यहाँ पे अपनी मिन टर्म्स जो हैं वो लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। ये वाली मिन टर्म है जिसमें ये सारे 0 हैं, यानी ये जो स्क्वायर है M 0 वाला, इसमें जो मिन टर्म आएगी वो है X बार, Y बार, Z बार। इसी तरह से जो नेक्स्ट है 0, 1 वाला, उसमें आएगी X बार, Y बार, Z, फिर आएगी X बार, Y, Z, फिर आएगी X बार, Y, Z बार। इसी तरह से आप जो नीचे वाली हैं, नीचे में X हो जाएगा और फिर बाकी टर्म्स उसी तरह से रिपीट हो जाएंगी। तो ये आपकी मिन टर्म्स बन जाएंगी फॉर थ्री वेरिएबल्स। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस सर? इसमें M1 के बाद M3 क्यों आ रहा है? हाँ, M1 के बाद M3 आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसका एक ये रूल है कि हमने ग्रे कोड सीक्वेंस इस्तेमाल करना है। अब अगर किसी को क्लास में याद हो ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे कोड के अंदर एक बिट खाली चेंज होती है नेक्स्ट वैल्यू के लिए, दो बिट्स नहीं चेंज होती, हमेशा एक बिट चेंज होती है। तो यहाँ पे आप देखें ये 0, 0 है, ये 0, 1 हुआ है, एक बिट चेंज हो गया। उसके बाद ये हुआ है 1, 1, इसमें भी एक बिट चेंज हो गया। फिर ये हुआ है 1, 0, इसमें भी एक बिट चेंज हो गया। अगर मैं 1, 0 यहाँ पे करता तो दोनों बिट चेंज हो जानी थी, 0 का 1 और 1 का 0, तो दिस इज नॉट अलाउड ग्रे कोड में। यू कैन ओनली चेंज 1 बिट एट अ टाइम, so that's why I had to go for 0001, 1, 1 and then 1, 0. You get clear?
सही है, ऊपर वाली रो तो समझ आ गई, नीचे वाले जो बन गई ये नहीं समझ आई, ये इसमें क्या बताया आपने, ऊपर वाले तो पता चल गया ग्रे, नीचे वाली में तो कुछ भी नहीं है, नीचे में तो सिर्फ जीरो और वन है। एक्स की वैल्यू ऊपर वाली रो में जीरो है और नीचे वाली वैल्यू में, नीचे वाली रो में वन है। सर थ्री वेरिएबल मैप में ग्रे कोड सीक्वेंस मस्ट है? थ्री मस्ट है, थ्री वेरिएबल में भी मस्ट है और फोर वेरिएबल में भी मस्ट है। इट हैज टू बी ग्रे कोड। ओके सर। ओके अच्छा, सो नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। अच्छा अब इसके बाद जो है ना, आपने हमने ना इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, यानी जहां जहां वन आ जाएंगे अभी हम एग्जांपल से देख लेंगे, मसलन एक वन यहाँ, एक वन यहाँ, एक वन यहाँ, लेट्स से तो वी विल डू सम एग्जांपल्स, उससे वो तो क्लैरिफाई हो जाएगा, लेकिन अभी हमें एक और चीज जो है वो समझने की जरूरत है कि एडजेसेंट स्क्वायर्स कौन से होते हैं। सो एडजेसेंट का क्या मतलब है, कोई स्टूडेंट बता सकता है? सर सेम नहीं, एडजेसेंट साथ जो होते हैं ना, एडजेसेंट साइड्स होती हैं, जैसा ट्रायंगल में आपने देखा होगा एडजेसेंट एंगल्स एडजेसेंट, ठीक है, तो एडजेसेंट वो होते हैं जिनकी बाउंड्री वॉल मिलती है आपस में, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे M3 के एडजेसेंट कौन कौन से स्क्वायर्स हैं, तो M3 के एडजेसेंट है M1, M2, M1 और M7 और M7 भी है ना, मतलब ठीक है। अच्छा इसी तरह से ये बताएं M4 के एडजेसेंट कौन कौन से स्क्वायर्स हैं? सर M5, M0, M5, M0, M5, M5 और M0। अच्छा ठीक है। अच्छा अब एक चीज ये है, तो बता है M1 भी तो बनेगा, नहीं वो उसके साथ बाउंड्री वॉल तो शेयर नहीं कर रहा, ये कर रहा है और ये कर रहा है, ये तो डायगोनल है, नॉट एडजेसेंट। ओके सर। ओके अच्छा अब एक चीज आपने याद रखनी है कि कार्नफ मैप में, यानी M4 आपने बताया, सबने बिल्कुल सही बताया कि M4 जो है वो M0 और M5 के है। अच्छा लेकिन कार्नफ मैप में हम दिखाएंगे कि जो हमारा M4 है ये M6 के भी एडजेसेंट है, ठीक है। सो आपने अज्यूम इस तरह करना है कि अगर मैं इसको फोल्ड करूं कार्नफ मैप को सेंटर से, यहां से मैं इसको फोल्ड करूं तो M4 M6 के ऊपर आ जाएगा, तो मैं अज्यूम करूंगा कि मेरे ये दोनों भी एडजेसेंट है, ठीक है। इसी तरह से M2 जो है वो एडजेसेंट होगा M0 के, तो M2, M6 और M3 के तो एडजेसेंट है ही, वो M0 के भी एडजेसेंट होगा। ओके सो क्लियर है हर एक को? सो वी विल अज्यूम दैट दिस स्क्वायर इज एडजेसेंट टू दिस स्क्वायर एंड दिस इज एडजेसेंट टू दिस एज वेल, बिकॉज़ इफ वी फोल्ड इट तो ये जिसके स्क्वायर्स जिसके ऊपर आते हैं वो एडजेसेंट होगा, तो ये आपने याद रखना है। सर इस तरह तो M1, M3 और M5, M7 भी हो जाएगा। हाँ तो वो तो पहले ही एडजेसेंट थे, उसमें तो मैंने कभी ये कहा M3 को अगर आप लेंगे, M7 तो इसके वैसे ही एडजेसेंट है। सर इस स्लाइड को दोबारा जरा गो थ्रू करा दें, सही तरीके से कुछ पता नहीं लग रहा, और इस स्लाइड को सर एक बार सिर्फ गो थ्रू ही करा दें। अच्छा आपको क्या समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर, आप पहले मुझे बताएं। सर जैसे अभी आपने कहा कि इसको स्किप करेंगे और ये दो आ जाएंगे, जैसे M4, M0 और M5 और M6 के उसके साइड में आएगा, यानी ये समझ नहीं लग रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि एडजेसेंट स्क्वायर्स जो है ना
एम सिक्स जो है इसके वैसे तो एडजेसेंट स्क्वायर्स हैं ये और ये, ठीक है, लेकिन एम सिक्स का एडजेसेंट स्क्वायर एम फोर भी है, कोने वाले जो दोनों है ना वो एडजेसेंट है, ठीक है, सिमिलरली ये कंटिन्यूस मैप है तो ये इसके एडजेसेंट है। इसी तरह से एम टू जो है वो एम जीरो के भी एडजेसेंट है, ये मैं कह रहा हूँ, क्लियर हुआ? यस सर, ठीक ठीक है। अच्छा नाउ अब हम लोग ये देखते हैं कि जब हमने ये सारा कुछ समझ लिया तो अब लेट्स लुक एट वन एग्जांपल, और हमने एग्जांपल जो है वो ये देखनी है कि इसको अगर हम लोगों ने सिंपलीफाई करना है तो किस तरह से करेंगे। तो मैं पहले ना एक सिंपल एग्जांपल से आपको करवाता हूँ, इस वाली से इसको हम क्लियर करते हैं जरा। ऑलराइट, सो लेट्स से आपका जो बुलियन फंक्शन था वो था ये एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, तो आपने एम वन एम थ्री और एम टू इनके ऊपर वंस डाल दिए, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपने जो एडजेसेंट वंस हैं उनको आपस में कंबाइन कर देना है, यानी उनके गिर्द आप एक समझ लें डब्बा बना दें, ठीक है। और डब्बा बनाने के बाद आप ये देखें कि जब मैं इन दो स्क्वायर्स में मूव करता हूँ तो मेरा कौन सा वेरिएबल है जो चेंज होता है और कौन सा वेरिएबल है जो चेंज नहीं होता। सर एम टू और एम थ्री के दरमियान कौन सा वेरिएबल है एक्स और वाई में बता सकते हैं जो चेंज नहीं हो रहा और कौन सा वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, जी बताएं किसमें सर? एम टू और एम थ्री के दरमियान कौन सा वेरिएबल, M2 और M3 के दरमियान कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है? X सर, जी बिल्कुल सही है, X X X चेंज नहीं हो रहा, Y चेंज हो रहा है। तो इसमें रूल ये है सिंपलीफिकेशन के अंदर कि जो वेरिएबल चेंज हो गया वो इलिमिनेट हो गया, ठीक है। सो इसके लिए खाली Y चूंकि चेंज हुआ है Y इलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ X रह जाएगा और X की क्या वैल्यू आएगी 1। So, यहाँ पे आप इसको लिखेंगे खाली एक्स, ठीक है। सो इन दोनों टर्म्स को सिंपलीफाई जब आप करेंगे तो इनका आंसर सिंपली आ जाएगा एक्स, ठीक है। उसके बाद हम इन दो वंस को कंबाइन करेंगे। सर आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है सर। अच्छा आवाज भी डिस्टॉर्ट हो रही है और ये स्क्रीन जो है ना ये भी बड़ी लेट हो रही है। अच्छा बहुत खराब आ रहा है। अच्छा मैं जो है ना इसको बात नहीं, एक सेकेंड एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप कौन हैं और कहां से आए, क्या नाम है आपका? हाँ जी, अब आवाज क्लियर हुई है थोड़ी? जी सर अब क्लियर। और ये स्लाइड भी अब आपको क्लियर नजर आ रही है? सर स्लाइड नहीं आ रही, नहीं आ रही, स्लाइड नहीं आ रही सर, स्लाइड नहीं आ रही सर। हो गई सर, हो गया, अब आ गई। वो असल में ना कोई डिले आ रहा है नेट में, मेरा ख्याल है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये दोबारा बता दें आप जो अभी बता रहे थे। मैं अभी रिपीट करता हूँ, चलिए होपफुली अब आवाज भी क्लियर होगी। अच्छा मैं ये कह रहा था कि आपने जब वंस डाल दिए ना तो अब आपने इन वंस को कंबाइन करना है दूसरे वंस के साथ, और जितने ज्यादा वंस को आप कंबाइन कर सकेंगे उतना ही आपका बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि आप सिर्फ दो वंस को कंबाइन कर सकते हैं या चार को या आठ को, आप तीन वंस को कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सो यू कैन ओनली कंबाइन टू वंस और फोर वंस, ओके। तो हम इन दो वंस को कंबाइन करते हैं, सो वी कंबाइन एंड देन वी से वी सी कि इसमें कौन सा वेरिएबल है जो कि चेंज नहीं हो रहा, ठीक है।
तो वो आप लोगों ने बताया कि एक्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा जबकि वाई जो है इन दोनों में चेंज हुआ है, वाई एक में जीरो है और दूसरे में वन है। तो रूल ये है कि जब आप वंस को कंबाइन करें तो जो वेरिएबल चेंज हुआ है वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और वाहिद वो वेरिएबल रह जाएगा जो चेंज नहीं हुआ, और वो एक्स होगा या एक्स प्राइम होगा डिपेंड करता है कि वहां पे वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे एक्स वन है तो ये जो पहली टर्म है इन दो को कंबाइन करके इन दो मिन टर्म्स को वो सिंपली रह जाएगी एक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग इन दो वंस को कंबाइन करेंगे, ठीक है। इन दो वंस में अब आप मुझे बताएं इन दो वंस को कंबाइन करता हूं तो कौन सा वेरिएबल चेंज हुआ और कौन सा नहीं हुआ। तो इस वजह से एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, वाई चेंज नहीं हुआ, वाई की वैल्यू वन है तो ये अगली मिन टर्म इसकी आ जाएगी वाई। तो ये सिंप्लीफाई होके सिंपली बन गया एक्स प्लस वाई। तो हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन था ये, ठीक है, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स एक्स वाई, और इसको सिंप्लीफाई करके ये सिंपली बन गया एक्स प्लस वाई। इसको आप एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन से भी सिंप्लीफाई कर सकते थे और आपका यही आंसर था, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ता है कौन सा, एक मिनट कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। इस केस में आपको कोई लॉ या कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली इन वंस को कंबाइन किया है एंड यू गेट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन x plus y। जी अब पूछें क्या क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन ये है कि दरमियान में हमेशा प्लस का निशान ही आएगा। जी हमेशा प्लस आएगा, बिल्कुल, सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में आएगा। ओके सर जी, और एनी अदर क्वेश्चन। अच्छा तो अगर ये आपको क्लियर हो गया तो अब हम एक थोड़ा सा ये वाला करते हैं, तो थ्री वेरिएबल का कार्नोफ मैप है, तो थ्री वेरिएबल का कार्नोफ मैप उसी तरह हमने बना दिया, ऊपर हमने वाई जी कर दिया और नीचे एक्स कर दिया, ये हमारे थ्री वेरिएबल्स थे एक्स वाई और जी। सो एक्स यहाँ पे आ गया, एक्स की वही जीरो वन और वाई जी जीरो 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 वन 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 10, या हमने मिन टर्म्स लिख दी m0, m1, m3, m2, m4, m5, m7 और m6। हमें जो बुलियन फंक्शन गिवन था इन थ्री वेरिएबल्स का वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में था, उसमें उसने एग्जैक्ट हमें मिन टर्म्स वो लिख के तो नहीं बताई, लेकिन वैसे उसने बता दी कि मिन टर्म 2, 3, 4 और 5 इस फंक्शन के अंदर है और ये इन मिन टर्म्स के ऊपर ये फंक्शन जो है ये 1 है। तो चूंकि इन फंक्शंस के ऊपर ये इनके ऊपर ये 1 है तो मैंने देखा m2, ठीक है, तो मैंने इस यहाँ 1 डाल दिया, फिर मैंने देखा 3 m3 यहाँ 1 डाल दिया, फिर m4 ये 1 हो गया और फिर m5 ये 1 हो गया, ठीक है, अब ये मेरे 1s हो गए। मैंने जैसा बताया था कि 1s को आप कंबाइन कर सकते हैं जो एडजेसेंट हो, जो एडजेसेंट नहीं है उनको कंबाइन नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स कि मैं इन दो 1s को कंबाइन कर सकता हूं और इन दो वंस को कंबाइन कर सकता हूं, क्योंकि बस यही एक दूसरे के एडजेसेंट है, बाकी कोई वन किसी और वन के एडजेसेंट नहीं है, होता तो मैं कंबाइन कर देता, फिलहाल नहीं है। अच्छा अब मैं जब मैंने ये कंबाइन कर दिया तो फिर मैं वही रूल अप्लाई करूंगा और मैं देखूंगा कि इन दो वंस में कौन से वेरिएबल्स चेंज हुए हैं और कौन से वेरिएबल्स चेंज नहीं हुए। जो वेरिएबल चेंज हुआ है वो एलिमिनेट हो जाएगा, जो चेंज नहीं हुआ वो वेरिएबल एज इट इज आ जाएंगे। तो इसमें आप बता सकते हैं कौन सा वेरिएबल चेंज हुआ और कौन सा नहीं हुआ। सर इस पे ये एक्स एक्सिस पे सर जी एक्स एक्सिस एक्स तो चेंज नहीं हुआ, एक्स जीरो ही है दोनों में। सर वाई नहीं चेंज हुआ, जेड चेंज हुआ ऊपर वाले में, जेड चेंज हो गया, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि जेड एलिमिनेट हो जाएगा और इन दोनों को मिला के जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा एक्स बार वाई। एक्स बार क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स जीरो है, और वाई क्यों आएगा, क्योंकि वाई दोनों में वन है। तो इन दोनों का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया एक्स बार वाई। अब हम देखते हैं ये नीचे वाली टर्म, एक सेकंड यार पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। अब नीचे वाली टर्म को हम देखते हैं, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है जो चेंज हुआ है। Z ही है, Z 0 से 1 हुआ था, Y चेंज नहीं हुआ था और X नहीं हुआ था।
एक्स यहाँ पे वन है, सो इसलिए बन जाएगा एक्स, और वाई बार इसलिए जीरो है, सो ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन बन गया एक्स वाई बार। तो ये सिंप्लीफाइड पूरा का पूरा आपका जो एक्सप्रेशन आया इन चार मिन टर्म्स को जब आपने सिंप्लीफाई किया तो एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। ठीक है जी, नाउ यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। सर मर्जिंग किस तरह से कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, एडजेसेंट एडजेसेंट स्क्वायर्स, इट डजंट मैटर व्हेदर दे आर लेफ्ट और राइट, एडजेसेंट को मिला सकते हैं। तो सर एलिमिनेट कैसे हो रहा है, यानी कि जी के अलावा दो दफा आपने एलिमिनेट हुआ है, तो किस तरह से एलिमिनेट हुआ है? जो चेंज होता है, जो वेरिएबल चेंज हो रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों जो जो स्क्वायर्स जो आपने कंबाइन किए ना एडजेसेंट, उसमें जो भी वेरिएबल चेंज होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर दो चेंज हुए तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो चेंज किस तरह से, यानी कि वाद उसके तरह से हट जाएगा? यार ये वैल्यू चेंज हो रही है ना, ये ऊपर तो देखें, ये देखें, ये चेंज नहीं हो रही वैल्यूज इन दोनों स्क्वायर्स में। क्या एक्स और वाई की एक ही वैल्यू है, वाई और जी की? ठीक है जी, क्लियर हो गया किस तरह चेंज हो रहा है? नहीं सर अभी नहीं हुआ, आगे हम चलेंगे तो हो जाएगा क्लियर। किताब भी खोलें, किताब से भी जरूर पढ़े फिर एक दफा। अच्छा अगली एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल 3.2, वो कहता है सिंपलीफाई द बूलियन फंक्शन 3, 4, 6 and 7। हमने एग्जैक्टली उसी तरह से कार्न ऑफ मैप बनाया, इधर एक्स कर दिया, वाई सी कर दिया, और ये जो मिन टर्म्स थी 3, 4, 6 and 7। सर स्लाइड रुके या पिछले भाई 3.1.1 पे? अच्छा ऐसा करते हैं यार, इसको मैं थोड़ी देर बंद करता हूँ, आप लोग भी 10 मिनट की ब्रेक ले लें, फिर हम शुरू करते हैं, शायद उसके बाद नेट कुछ बेहतर हो जाए। जी जी सर जी, ठीक है चले उसको हम रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, 10 मिनट की ब्रेक है, 10 मिनट के बाद भी स्टार्ट। तो 11:08 हुए, 11:18 पे हम दोबारा स्टार्ट।